अब मुझको दया आती है, क्या थे नीतीश कुमार जी और क्या उनको उनके लोगों ने ही बना दिया। नीतीश कुमार को किसने सबसे पहले पीएम मटेरियल कहा था? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल सुशील मोदी ने कहा था, लेकिन वर्तमान सरकार जो बिहार में चुनाव के बाद बनी थी, जो गिर गई, उस सरकार में किसने पहली बार नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया था? उपेन्द्र कुशवाहा। उपेन्द्र कुशवाहा आज भले ही इस्तीफा देकर नीतीश कुमार की पार्टी से चले गए, एक और नई पार्टी का निर्माण किया, लेकिन ये बात परम सत्य है कि उन्होंने ही इस बार ये राज छिड़ा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, वो पीएम पद के अच्छे दावेदार हैं और जो काम वो कर रहे हैं उस आधार पर उनको वो सारी क्वालिफिकेशंस प्राप्त हैं जो इस पद पर सुशोभित कर सकते हैं वो। तो उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, लेकिन अब वो पार्टी से बाहर हो चुके हैं और उन्होंने नई पार्टी बना ली है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा किस तरफ जाएंगे इसके लिए बहुत रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर पहले ही उनकी मुलाकात बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल से हुई। संजय जायसवाल वही जो उनके पुराने जाने दुश्मन हुआ करते थे जब वो जदयू में थे। संजय जायसवाल और इनके बीच पुरानी अदावत भी आज समाप्त हो गई। हो सकता है भाजपा के साथ कोई बड़ी सेटिंग हो गई हो जिसके चलते संजय जायसवाल भी इस दबाव में आए कि वो जाकर सुलह पहले ही कर लें ताकि मामला बाद में न फंसे। संजय जायसवाल के मुलाकात करके निकलने के बाद पत्रकारों ने सवाल किया उपेंद्र कुशवाहा से कि आखिर समस्या क्या हुई, आप जब 2024 में ये बात आप जब दो माफ कीजिए आप जब 2025 में आप जब 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनवा रहे थे तो फिर एकाएक आपने यू टर्न कैसे ले लिया? तो इस सवाल के जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से बिहार की राजनीति में एक और बड़ा यू टर्न ले लिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो मौजूदा स्थिति है इसमें नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, नरेंद्र मोदी के सामने दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है और अगर कांग्रेस एकमात्र पार्टी दिखती है जो भाजपा को चुनौती दे सकती है तो उसको कमजोर करने वाली कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इशारों में नीतीश कुमार पर फिर से हमला। और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं और ये कह दिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के समकक्ष में नीतीश कुमार क्या दूर दूर तक कोई और है नहीं, उनकी वापसी होने वाली है। 2024 में नीतीश कुमार के लिए संभावनाएं पूरी तरीके से समाप्त बता रहे हैं और साथ साथ ये भी कह दिया है कि बिहार में भाजपा के साथ या किसी पार्टी के साथ जो गठबंधन है उस पर फैसला आने वाले समय में वो खुद ले लेंगे। गठबंधन एक रात में होता नहीं है, हमारी पार्टी को अभी एक दिन हुआ है, हम धीरे धीरे अपने रास्ते तय करेंगे। अगर संजय जायसवाल हमसे मुलाकात करने आए थे तो निश्चित तौर पर उनको बधाई देना चाहिए क्योंकि हमने जो लड़ाई लड़ी है उस लड़ाई में हमारा साथ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वो आए थे। सुनिए इस वीडियो में क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा खुद कह रहे हैं। नई पारी की शुरुआत हमने की, मोबाइल पीछे करो, हमने तो भैया भैया ओर से धन्यवाद मिल रहा है। अरे आगे मत करो, नीचे करो, नीचे कर दिए यार। काम करने वाले लोग हैं, मेरे मित्र हैं संजय जी, उनको भी जानकारी हुई। तो राजनीति में सब लोग हैं, मेरा कदम जिनको भी अच्छा लगा लोग धन्यवाद दे रहे हैं। पूरा नीचे क्रम में आए और धन्यवाद दिया, हमारे यहाँ आए घर पर आकर धन्यवाद दिया, हमने भी उनके प्रति आभार किसी रूप में मुलाकात। सर बंद कमरे में क्या बात हुई सर? और बात करनी हो तो जाइए उनसे बात करिए ना सर, भी करेंगे 2024 से पहले। सर क्या कोई आने वाले समय में गठबंधन हो सकता है बीजेपी के साथ? देखिए जिसके साथ गठबंधन होगा हम बुलाकर आपको बताएंगे ना, लेकिन संभावनाएं हैं। जल्दीबाजी क्या है? संभावनाएं सर शुरुआत हो गई। अब शुरुआत गठबंधन कोई आधा आज आधा कल आधा परसों ऐसे थोड़े होता है, आपने जिस तरह उसमें शुरुआत की कोई बात नहीं है। अच्छा कुशवाहा जी, ये कुशवाहा जी ये माने कि आज से आप एनडीए? कुशवाहा जी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि आपने एक बड़ा कदम उठाया है क्योंकि ये राज्यपाल नॉमिनेटेड होने के बावजूद आपने पद से इस्तीफा देने को नहीं। हाँ निश्चित रूप से मुझको लगता था कि राजनीति में नैतिकता के लिए भी जगह होनी चाहिए और हमने हमेशा ख्याल रखा है। उसी रूप में मुझको इस बार भी लगा कि भले बहुत आवश्यक नहीं है एमएलसी पद छोड़ना, लेकिन नैतिकता कहती है
कि हम इस पद को त्याग दें। जैसे ही हमने पार्टी छोड़ी तो उस रूप में हमने चीजों को लिया है और उसके आधार पे इस्तीफा देने की बात हमने की। आज 2.5 घंटे तक मुख्यमंत्री को इंतजार करना पड़ा, किसान समागम हो रहा है, मुख्यमंत्री बैठे रहे, तेजस्वी यादव और दूरियां वहां दिखने लगी हैं जो आपने कदम उठाया उसके बाद। देखिए मुख्यमंत्री जी के आचार व्यवहार पर, उनकी बोलचाल की भाषा पर, जब उनका चेहरा हम लोग मीडिया में देखते हैं तब मुझको दया आती है। क्या थे नीतीश कुमार जी और क्या उनको उनके लोगों ने ही बना दिया। अब 2 घंटा 1.5 घंटा तक इंतजार करना पड़े बिहार के मुख्यमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद के किसी व्यक्ति के लिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन है जो है वह हम लोग देख रहे हैं। सर आज से माने कि आप एनडीए के फोल्डर में चले गए हैं भैया, अभी कहाँ से क्या आप लोग मान लीजिएगा। अभी जो चीज तय होगी उसके संदर्भ में फिर हम आपको बताएंगे। अभी इंडिविजुअल क्या जल्दी बात है सर, आपको सर नहीं लगता है, सर आपको नहीं लगता है सर कि आपके ऊपर जो आरोप लगता था जेडीयू के नेता। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।